नमस्कार। उस ऐतिहासिक पल में अब 15 दिन बचे हैं जिसका पिछले 500 सालों से भी ज़्यादा समय से देश के करोड़ों हिंदुओं का इंतजार था। उस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में विराजमान होने के अवसर पर पूजा करेंगे, उस अवसर पूरे देश में एक दिवाली का उत्सव होगा। उसी उपलक्ष्य में एक भंडारे की प्लानिंग हुई कैथल से और उस भंडारे के लिए पिछले 1-1.5 महीने से तैयारियाँ जोरों पर हैं। इस भंडारे में हर रोज़ हजारों लोग अयोध्या में भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके लिए कैथल से श्री रामजी सैनी के नेतृत्व में भंडारा आयोजन समिति लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। अपने तमाम काम काज छोड़कर सभी सेवादार इस भंडारे को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। हम आज पहुँचे हैं कैथल के शहीद स्मारक के सामने भंडारे के लिए बनाए गए कार्यालय में, जहाँ हम भंडारे की अब तक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे श्री रामजी सैनी से। भंडारे में अब तक कितने लोगों ने कितना सहयोग किया है और आगे की क्या क्या तैयारियां बची हुई हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अब तक सर बताना कि जब पिछले 20 नवंबर से आपने तैयारी शुरू की थी, हाँ, और सबसे पहले तो ये मन में सवाल उठता है कि ये भंडारे का विचार आया कैसे? ये तो देखो, राम जी की कृपा से ये विचार उन्होंने दिए तो हमने इसका बेड़ा उठाया। ये उन्हीं का एक करने वाले कराने वाले वही है, उन्हीं का माध्यम है ये। उन्हीं के माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं। जो विचार आया था अभी 1.5 महीना हो गया उनको विचार आया था ये, तो हमारे को उन्होंने फिर ये शक्ति दी वहाँ थोड़ी योद्धा थोड़ी पहुँचने की, तो हमने इसे भंडारा का योजन मन में कर लिया। अभी ये लंगर लगाएंगे हम भी। राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना इतने साल, इस मंदिर बनने के ऊपर इसके हमारे को इतनी खुशी हुई कि हम भी ये लंगर का काम करिए। और शुरुदिन से राम जी ने हमारे को लंगरे का ही काम सौंप रखा है, तो हम ब्याह शादियों में हर जगह हम लंगरे का ही काम करते हैं सारा ये। तो प्रधान जी, एक बात जानकारी दीजिए कि जैसे आप अयोध्या गए थे, उसके बाद से कैसे भंडारे की तैयारियां शुरू हुई, क्या प्लानिंग की गई थी, उसमें किन किन लोगों का सहयोग लिया? मैंने यहाँ पर जितने भी राम भक्तों को सबको आवाज़ लगाई और वो वैसे चिमट गए जैसे एक मिठे पे मक्खियाँ आके चिमट जाती है ना, ऐसे मेरे साथ सभी साथी जुड़ गए। हम सभी ने मिलजुल के इसका लंगर लगाया और सभी गांव-गांव से, अरे गांव से इसका सभी योगदान आ रहा है। जो जैसे मर्जी जहाँ से मर्जी गाँव, अरे गाँव से थोड़ा थोड़ा सभी योगदान कर रहे हैं इसके अंदर। टोटली शहर कर रहे हैं, टोटली जिले कर रहे हैं, पानीपत, करनाल, समालखा और ये कुलक्षेत्र जिला हो गया अपना, कैथल जिला हो गया जी। कैथल ने, अनाज मंडी ने बहुत सहयोग किया और अपने जो कैथल के राइस मिल, हरियाणा के जितने भी राइस मिल है, इन्होंने हमारे को सुभाषण दिया है कि हम आपका लंगर का चावल नहीं ख़त्म होने देंगे, जितना भी चावल लगे हो वो हम देंगे। 2 महीने में आप चाहे 200 क्विंटल 200 टन लगाए चावल, और चाहे 100 टन लगाए और चाहे 1000 टन लगाए चावल के लिए उनको हमको बेचिंत कर दिया। ये राइस मिल वालों का मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये चावलों की सेवा देकर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। जैसे आप वहाँ से आए थे, उसके बाद संस्थाएँ भी आई थी, और आपने गाँव के और शहर के लिए क्या क्या टीमें अलग से बना रखी हैं, क्या योजना है जैसे लोगों से सहयोग लेने के लिए? हाँ, हर गांव से अपना अपना लोगों ने जिम्मेवारी ले रखी है, अपने अपने गांव से सभी बट ले करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। कोई अन्न के रूप में, कोई कणक के रूप में लेके यहाँ पर, आटा के रूप में, धनमाया भी लेके आ रहे हैं साथ में, सभी जुटे हुए हैं। सभी गाँव से लगभग जितने भी गाँव हैं, एक हमारा गाँव का जो रामेश्वर जी हमारे को उधर के प्रधान बना के, वो उन्होंने 25 गांवों से बटला करके वो भी लेके आ रहे हैं। इधर से गांव बरटा, इधर से बरटाली साइड से, और भैया उसमें बाबाला दाना आ गया, और सभी इधर के गांव 25-30 गांव है, उधर से बटला करके वो लेके आ रहे हैं। उधर से गांव में मतलब 25 गांव में अलग अलग गांव लेवल इकट्ठा करके यहाँ लेके आएंगे। और एक केवड़ो गांव में के अंदर चल रहा है, केवड़ो गांव के अंदर भी बहुत योगदान मिल रहा है केवड़क में, और साथ में अपने इधर जो गांव है केवड़ के सामने वाले का नोच कुवारतन, सभी लोग इधर से आ रहे हैं, और सभी संतों ने यहां पर योगदान डाला है। सभी ने संत भी डेरों का कितना योगदान है अब तक? हाँ जी, डेरों का कितना योगदान रहा है अब तक, डेरे जितने भी हैं धार्मिक डेरे? डेरे भी सहयोग कर रहे हैं अपने, उसके मुताबिक डेरों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, और बहुत साधु संत हमारे साथ में लगे हुए हैं, सभी मिलजुल के हम ये कार्य कर रहे हैं। और जितने हमारे यहाँ की संस्थाएं हैं, बर्फानी सेवा मंडल हो गए, माँ वैष्णो सेवा समिति होगी, इन्होंने हमारे को पूरा योगदान दिया है। इन्होंने भी बर्फानी सेवा मंडल ने जिनके पास जो सामान पड़ा था वो सारा सामान लंगर के लिए उन्होंने दे दिया, और साथ में अपनी गाड़ी भी दे दी।
भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं, उन्होंने भी कुछ योगदान किया? हाँ, उन्होंने भी बहुत योगदान किया है जी। तो एक जो संस्थाओं के अलावा जो शहर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो योगदान कर रहे होंगे, किस तरह से उसके लिए कार्यालय में व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोग यहाँ आकर के दान दें? ये कार्यालय के अंदर सभी लोग दे के जा रहे हैं, इधर जो अपने मंदिर के अंदर जो दफ्तर है एड ऑफिस बना रहे लोग यहाँ पर बहुत, तो अपनी मर्जी से बहुत दान दे के जा रहे हैं लोग, अपने अपने यहाँ पर पर्चियाँ कटवा के जा रहे हैं, कोई धन राशि दे के जा रहा है, कोई अन्न के रूप में दे के जा रहा है, कोई घी भी दे के जा रहा है, इधर लोग सभी लोग दे के जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई गोडाउन वगैरह बनाया है? हाँ, गोदाम हमने बना रखा है, एक बाईपास पे, खनौरी बाईपास पे एक 1000 गज का गोदाम है, उसके अंदर बना रखा है, और एक चंदाना गेट के अंदर नीलकंठ मंदिर है, उसके बाहर की तरफ एक गोदाम है, उसके अंदर भी हमने सामान रखा हुआ है। तो अब तक जैसे अभी आपके भंडारे 15 दिन है, उससे पहले 5-6 दिन पहले पहुंचना भी पड़ेगा अयोध्या में, उससे पहले की क्या प्लानिंग है, क्या योजना अब आगे की? हम 15 तारीख को यहाँ पर लंगर को रवानगी करेंगे, 15 शाम को हम पहुंचेंगे कुलक्षेत्र के अंदर, कुलक्षेत्र के अंदर का शोभा यात्रा निकलेगी, उधर जो कुलक्षेत्र वालों ने हमारे लंगर को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने जितने भी हमारे लंगर के अंदर मसाले लगेंगे, वहाँ की एक जो कैटरस है धर्मपाल जी, वहाँ के जो प्रधान जी है, उन्होंने हमारे को दिया, जो लंगर के अंदर आपके जो भी नून मिर्च मसाले जो भी लगेंगे वो हमारी तरफ से हम इसके अंदर डालेंगे जी। ये तो काफ़ी बड़ी सहयोग उनका हो गया कुलक्षेत्र। हाँ, ये उसके बाद की योजना कैसे रही, कैसे आगे काफिला चलेगा? हाँ, फिर यहाँ वहाँ से करनाल चलेगा जी, करनाल के अंदर भी बहुत सहयोग है हमारा, करनाल के अंदर भी पूरी शोभा यात्रा घूमेगी, और उसके बाद फिर हम पानीपत के अंदर पूरा, पानीपत का पूरा योगदान है उधर का भी, तो वहाँ पे पानीपत के अंदर भी हमारी यात्रा घूमेगी पानीपत के अंदर भी, और फिर उसके बाद समालखा के अंदर घूमेगी जी, और इन सभी शहरों का हमारा बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग है जी। तो जो भंडारा के लिए सामग्री शुरू होगी उसके लिए कुछ ट्रकों की संख्या निश्चित हुई है, कितने वाहन रहेंगे, उसे क्या क्या काफिला जाएगा? लगभग हमारे ट्रकों को 10 ट्रक तो हम साथ में लेके जाएंगे, अब और जो हमारे ट्रक यूनियन के रामफल प्रधान जी हैं, उन्होंने बोला है जितनी भी आपको गाड़ियाँ चाहिए और हम आपको बगैर पैसे के आपके साथ गाड़ियाँ भेजेंगे, और हम उनसे आपको बस गाड़ियों का तेल पानी आपने देना, बाकी चाहे 10 गाड़ी जरूरत हो चाहे 100 गाड़ी की जरूरत हो वो सारी गाड़ी हमारी ट्रक यूनियन के प्रधान जी रामफल जी हैं, उन्होंने ये बोला था कि आपको जहाँ से भी हरियाणा से सामान चकना है वो भी सामान लेके आएंगे, और साथ में आपके गाड़ियाँ जितनी आपके गाड़ियों की जरूरत है आपको गाड़ियाँ दे जाएंगी। प्रधान जी, जैसे भंडारा रवानगी होगी उसको हरी झंडी के लिए कोई अभी अतिथि फाइनल करने जा रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ? वो अभी इसकी तैयारी चल रही है, शायद आज 1-2 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा, सभी को किसको हरी झंडी दे रहे हैं किसको बुला रहे हैं सभी आएंगे, तो साथ में हम रख रहे हैं भी हमारा हरियाणा का मुख्य आदमी किसको हरी झंडी दे उसी पे हमारा फोकस चल रहा है, जो उनको यहाँ पर निमंत्रण मिल जाए। तो अभी आपके पास 8-9 दिन हैं यहाँ सामग्री सहयोग लेने के लिए, तो आम जन से संस्थाओं से क्या अपील करेंगे कि इसमें भंडारे में सहयोग करें? सभी संस्थाओं से साथ में मिलजुल के काम भी कराए, और जो भी यहाँ पर सामान की जो उनको कमी लगे उस कमी को भी पूरा कराया जाए, ये सभी मिलजुल के सभी लोगों का फर्ज है, इस राम जी के कार्य के अंदर सभी हाथ बधाए और अपना अन्न धन सब अपना पवित्र करे, इसमें योगदान डाल के, और ये सभी से मेरी प्रार्थना है। दो बातें हमारी इसमें रहेगी बीच में कि जब आप भंडारे की अनुमति लेके आए थे उस समय तो आप अकेले चले थे, फिर संस्थाएं जुड़ती गई, बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी बुलाया, पहले प्लानिंग 1 महीने की थी, अब प्लानिंग 2 महीने की होगी, कैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं? ये दिन हम तो इसको 1 महीने का भंडारा लेके चले थे, तो उन्होंने 1 महीने की हमारे को मंजूरी दे दी, फिर हम दूसरी दफ़ा फिर बुलाए उधर पंकज जी ने, जो अपने हिंदू विश्व हिंदू के महामंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जी, उन्होंने कहा भी इनका नहीं भी आप 40 दिन का भंडारा लगाओ, हमने 40 दिन का किया, फिर हम उसके बाद हमारी दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई नड्डा साहब जी के साथ, तो उन्होंने फिर कहा नहीं भी 40 दिन का नहीं पूरा 60 दिन का आपने लंगर लगाना है, तो हमने 60 दिन का ही लंगर लगाया अभी, मतलब 2 महीने का जो भंडारा है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आग्रह पे। हाँ, नड्डा जी। और आप थोड़ा सा बताएंगे कि शहर में किस तरह से संस्थाएँ इसमें सहयोग कर रही हैं, भंडारे में क्या तैयारियां का रूपरेखा चल रही है? हमने टीमें बनाई हुई हैं, प्रत्येक गांव में डेली 5-4 बंदे भेजते हैं और रिक्शा वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे हमारे सुरेश अरोड़ा जी, प्रयागराज जी,
अनिल गुलाटी जी, कृष्ण लाल जी, इनके नेतृत्व में अलग अलग जगह पर जहाँ भी जरूरत होती है वहीं जाते हैं। टीमें बढ़ रही हैं और अच्छा सहयोग दे रहे हैं लोग सभी। जैसे आपने बता दिया प्रधान जी ने चावल के बारे में, नहीं कुछ एमसीओ का भी सुना था, कोई एमसी भी कुछ? हाँ, एमसी चेयरमैन साहब आए थे, वो सभी एमसी एक एक महीने की पे यहाँ दे रहे हैं। और उधर से जैसे ईओ है ये नगर परिषद में कुलदीप मलिक, इनका भी सबका सहयोग उन्होंने बोल दिया। भारत विकास परिषद का भी पता लगा, भारत विकास परिषद के भी डॉक्टर साहब यहाँ आके सहयोग दे गए हैं, डॉक्टर अशोक। हाँ, डॉक्टर अशोक जी। हाँ, आप और लोगों से क्या अपील करेंगे, अभी जो बचा हुआ समय है फिर भंडारे में सहयोग करें? हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत ज़रूरत है सामान की, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भी सभी बढ़ चढ़ कर दान दें इसमें। तो भंडारे में अरोड़ा जी भी जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं, उप प्रधान हैं, और आपका सर क्या कहना है अब तक, कैसे तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? बहुत बढ़िया तैयारियाँ चल रही हैं हमारी। हाँ जी, ये सौभाग्य है, कैथल का है ये। वैसे तो हरियाणा वासियों का सभी का सौभाग्य है कि ये भाई ये कैथल को ही हमें भंडारा मिला सबसे बड़ा जी। और ये जो 500 वर्षों से तपस्या थी खासकर हिंदू समाज की, वो तपस्या पूर्ण होने जा रही है जी। और हमें सभी से सहयोग मिले, हम जिसके पास भी जा रहे हैं वो इतने दिल से लोग खुश होकर दे रहे हैं। जैसे हम कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र वालों ने हमें मसाले दे दिए, पानीपत गए, उन्होंने हमें इतना बड़ा अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, भाई उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उससे भी उतनी कम है। हमारी समिति माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति का भी मैं प्रधान हूं, उनका भी पूरा समर्थन आपने तो मिला हुआ। भेजने की बात वो, हाँ जी, वो अलग से घोषणा कर रखी शायद। हाँ जी, एक वो घोषणा भी कर रखी आपकी संस्था ने, वो कोई, हाँ वो जो श्याम समिति वाली उसमें भी है, वो खाटू श्याम उन्होंने घोषणा की हुई है। बाकी हमें बर्फानी सेवा मंडल, आज हमारी मीटिंग हुई है उनके साथ सुबह जी, तो उन्होंने भी हमें पूरा समर्थन दिया है, वो हमारे साथ भी चलेंगे और उनका सहयोग से कहते हैं जिस चीज़ की भी आपको जरूरत है, बर्तन जो भी उनके पास पड़े हैं जी, तो कहते हैं हमारे लिए भाई आपके लिए उपलब्ध है ये, तो सभी का। आपके अनुसार कोई मुख्य और कोई संस्थाएं जो आपके ध्यान में हैं जिन्होंने अभी तक सहयोग किया? हाँ, ये अपना ये कौन सी है, अपना गुरु गोरखनाथ, इनका भी सहयोग पूरा, सभी मेंबर साथ सम्मिलित हैं वैसे तो इसमें जी, जी। वो भी हमें समर्थन दे रहे हैं। खासकर सबसे जो बड़ा हमें सहयोग मिला है वो हमें अपना बिट्टू छाबड़ा जी का, जो हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जी, उनका हमें बहुत सहयोग मिला है और जहाँ भी हमें वो साथ लेकर गए हैं हमारी टीम को, मतलब उन्होंने सारे भंडारे में चावल देने की घोषणा। हाँ बिल्कुल, 150 टन चावल उन्होंने कहा भी, अगर इसके बाद भी अगर उन्होंने शेलर्स वाले ने हमें कहा है अगर अभी कम हुए तो हम वो भी आपको पूरा करके देंगे। संक्षेप में, अब जैसे भंडारे में अभी टाइम 7-8 दिन का बचा है, हाँ जी, क्या अपील करेंगे शहर के लोगों से? मैं यही अपील करूंगा कि जब हमारी 15 तारीख को यहाँ से शोभा यात्रा चलनी है दशहरा ग्राउंड से चंदाना गेट से जी, तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि सभी साथी हमारे साथ चलें, कि जो हमारा पहला यहाँ से जो चलेगी शोभा यात्रा कैथल प्रांगण में, जो पूरे मंडी की तरफ से चलती हुई कुरुक्षेत्र जाएंगे हम, कुरुक्षेत्र हमारा वहाँ भी सहयोग हमें बहुत मिला हुआ है जी। जो कैटर्स हैं वहाँ के, उन्होंने हमें 1100 किलो भाई 11 क्विंटल उन्होंने हमें मसाले दिए हैं। उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि अगर कम हुए इसके बाद भी हम बैठे हैं भाई, मसाले भी हम पूरे करके देंगे आपको। ठीक है, वहाँ से चलने के बाद फिर हम अगले दिन नेक्स्ट डे हम करनाल जाएंगे। करनाल से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करते थे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग धनराशि की दें, जिससे हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद। हाँ, तो ये अब तक के भंडारे की तैयारियां और भंडारे को लेकर के जो व्यवस्था अब तक बनी है उसके ऊपर जानकारी, और हम भी जो है भगवान श्री राम के इस भंडारे में आपसे सबसे अपील करते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दें। धन्यवाद।